पाकिस्तान में सैनिकों और आतंकियों के बीच हुई गोलीबारी, दो सिपाही की मौत, दो आतंकी भी मारे गए। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने रेलवे में अपनी ड्यूटी की ज्वाइन। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन से पीछे हटी साक्षी मलिक, उत्तर रेलवे में अपने काम पर लौटी वापस। महाराष्ट्र में तय हो गया एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन का भविष्य। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, भविष्य में हम सभी चुनाव संयुक्त रूप से लड़ेंगे और बहुमत से जीतेंगे। मुख्तार अंसारी को बाराबंकी कोर्ट से लगा बड़ा झटका, गैंगस्टर एक्ट में आरोप मुक्त करने की अर्जी हुई खारिज। कर्नाटक में 7 जुलाई को पेश किया जा सकता है बजट, नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 7 जुलाई को पहली बार राज्य का बजट करेंगे पेश। मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका, दिल्ली एचसी ने ईडी मामले में नहीं दी अंतरिम जमानत। राजस्थान में आरईटी पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, भजनलाल कटारा के घर पर की छापेमारी। 60 साल की बलजीत ने 10वीं और 53 साल की गुरमीत ने 12वीं की परीक्षा की पास, कायम की बड़ी मिसाल। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, फेज 4 के लिए 4 किलोमीटर का एलिवेटेड वायाडक्ट तैयार। नोएडा में खुला यूपी का पहला डॉग पार्क, देश के सबसे बड़े पार्क में है पूल, कैंटीन और क्लिनिक सहित कई सारी सुविधाएं।